अजमेर रेलवे ब्रिज के अंदर बाधक बन रही करीब 74 दुकानों पर आज नगर निगम की जेसीबी का पंजा चला। निगम द्वारा की गई कार्रवाई। नाका मदार क्षेत्र में दुकानें मलबे में तब्दील हो गई। गजेंद्र सिंह रलावता, उपायुक्त नगर निगम ने बताया, जेसीबी मशीन द्वारा सभी दुकानों को तोड़ा गया, जिससे अब ब्रिज बनने में आसानी होगी और बिना रुकावट के काम शुरू होगा। इससे पहले रेलवे के आदेश के बाद सभी दुकानदारों ने 18 जून तक नोटिस देकर दुकान खाली करने के आदेश दिए थे, जिस पर सभी दुकानदारों ने स्वैच्छिक दुकान खाली कर ली। निगम उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि निगम की ओर से दुकानदारों को दुकानें लीज पर दी गई थी और इनकी रोजी रोटी को ध्यान में रखते हुए ब्रिज बनने के बाद उसके नीचे उन्हें वापस स्थापित किया जाएगा। रोल, हाँ सर, बताइए क्या क्या कार्रवाई करी है। और देखिए, लॉकडाउन के टाइम में जो आना जाना है निगम के ऊपर भी अतिरिक्त दूसरे काम बहुत थे, तो उस समय ये स्थिति रही कि लोग बागों ने ज़्यादा से ज़्यादा जो अवैध निर्माण करना शुरू कर दिया। इस सब बातों को देखते हुए कमिश्नर, हमारे निगम की जो आयुक्त महोदय हैं और हमारे जो महापौर महोदय हैं, उन्होंने बड़ी गंभीरता से लेते हुए हमें कुछ दिन पहले से ही निर्देशित कर दिया था कि आप लोग जा करके और कार्रवाई करें और इस तरीके के जो भी अवैध बने हुए उन पर कार्रवाई करें। तो इस रूप में हम आज आए हैं और हमने अभी ये दूसरा हमारा बिल्डिंग है जो हमने सीज किया है। इसमें दो नक्शा, मतलब अलग अलग नक्शे पास हैं और बीच में दीवार होनी चाहिए जो नहीं है, तो ये इनका वॉल्यूशन है और बैक साइड में शायद इनका वॉल्यूशन है, साइड बैक कवर किया है। इसी तरीके से इस संपत्ति के सामने भी हमने अभी एक संपत्ति सीज की है, उसमें भी हालांकि उसका नक्शा कॉमर्शियल पास है लेकिन 2 फीट के उसमें साइड बैक में वॉल्यूशन है, तो इन दोनों को सीज किया है हमने आज। सर, ये जो सामने संपत्ति दिख रही है इसका क्या व्यावसायिक नक्शा पास है या रिहायशी इलाके का? अभी जो हम सीज कर रहे हैं वो या अभी ये आवासीय नक्शा पास है। आवासीय नक्शा पास है, 2 नक्शे हैं और उसमें डिवाइडेशन होना चाहिए, बीच में नहीं है, दिख रहा है। वो एक बार जब तक शटर या वो चीज़ें, उसी चीज़ को भी हमने बताया लेकिन उन्होंने शपथ पत्र दे रखा है कि हम इसमें कभी व्यवसाय उपयोग नहीं करेंगे, अंदर आवासीय ही है, लेकिन जो 2 नक्शे को अलग अलग होना चाहिए उस तरीके से नहीं है, तो वो तो वॉल्यूशन है। सर, आज किस तरीके की ये LC 44 जो ये पुलिया बन रहा है यहाँ पे, इस पुलिया के तहत यहाँ पे करीब ये 74 ऐसी दुकानें थी जो उसके अतिक्रमण में आ रही थी, इनमें से काफ़ी अवैध भी थी और कुछ हमारी लीज पे भी दी हुई थी, तो जो भी एक हमारा समझौता हुआ, समझौते के तहत इनको दिया जाएगा वापस, जब भी ये पुल बन जाएगा उसके बीच में स्थापित करेंगे इनको, इसलिए इन्होंने सबने खाली कर ली थी। हमने 18 तारीख को नोटिस दिया था इनको सुबह, इन्होंने सबने खाली कर चुके हैं, आज ही इनको ध्वस्त कर रहे हैं हम। सर, एक ने विरोध भी किया इसको लेकर? नहीं, वो उसका कोई ADS को स्टे बता रहा था लेकिन हमारे निगम की हम पार्टी नहीं थे, निगम उसमें किसी तरीके से पाबंद नहीं था, इसलिए हमने उसके जब्ती बना करके सामान दे रहे हैं और उसका तोड़ेंगे। ठीक।